छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और ऐसा ही नहीं कि हम सभी विषयों पर उन्होंने पढ़कर कि एकात्म व्यक्त किए हैं, उन सभी बातों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो बातें हैं अपने अपने विषय को उन्होंने प्रतिपादित किया और वहां पर आयोजित हुई। उसमें जो प्रथम द्वितीय उनकी प्रदेश स्तरीय कार्य करेंगे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को छूने वाले उसके विचार प्रबुद्ध उन छात्रों को उसमें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, उनके साथ संवाद किया जाएगा। 150 की संख्या में वहां पर उपस्थित थे, एक भी छात्र छात्रा 40 छात्र थे और अच्छे से जो प्रतियोगिता हुई उस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लेकर ये प्रथम चरण में हमारा पूरा हुआ। तो जो निर्णय हमने किया था कि द्वितीय चरण में हम उनकी सहभागिता हो, उनकी उसमें उपस्थिति हो, इस दृष्टि से पांचों संप्रदाय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी को ध्रुव में संपन्न किया। ये दूसरा सम्मेलन प्रधानमंत्री में होगा, चौथा सम्मेलन 22 मार्च को, और इस प्रकार पांचों संभागों में हम बड़े सम्मेलन के माध्यम से एक संभाग स्तर पर एक विषय का प्रतिपादन हो और उसमें हमारे प्रमुख वक्ता महाविद्यालय जो प्रदेश के सभी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों को रायपुर में हमने प्राचार्य जो है वहां पर उपस्थित हुए, उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन हुआ। हमारे इस प्रकार के सम्मेलन भी हमारा जो प्राचार्यों के माध्यम से उसमें हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक साहित्य का सेट जो है प्रत्येक लाइब्रेरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक साम्यवाद समाज से राष्ट्र की कल्पना करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी संस्कृति को जो है पुनः जो आज हम चिंता का विषय हमारे देश के लिए है समस्याएं हैं उन समस्या बताएंगे क्या कार्यक्रम और इसका उद्देश्य क्या है। देखिये ये संभागीय सम्मेलन एकात्म मानव दर्शन को लेकर जो पूरे पांचों संभागों में और जो शोध पीठ हमारी बनी हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव शोध पीठ जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित हो रहे हैं पूरे देश भर में और विभिन्न स्तरों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया उसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं। इस प्रदेश में इस पीठ ने और इस विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम को करने का बीड़ा उठाया और जो हमारी प्रदेश की समिति बनी, संभाग की समिति बनी, जिला समिति, ब्लॉक लेवल की समितियां बनी, उन सब ने बैठकर यह तय किया कि शिक्षा जगत में और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को और ले जाएं ताकि देश की भावी पीढ़ी जो आज तक केवल साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद जानती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, एकात्म मानववाद है, जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र की कल्पना को लेकर उसके उत्थान की एक दिशा देने वाला वाद है, उस वाद को आज तक स्थान केवल एक राजनीतिक दल के अंदर ही मिला लेकिन देश की जनता और देश के बुद्धिजीवी उससे छूते रहे। इस दृष्टि से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इस पर कार्य योजना बने, इस दृष्टि से इस पीठ ने और प्रथम स्तर पर महाविद्यालय छात्रों की, छात्र छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता हमने आयोजित की जिसमें 5000 छात्र छात्राओं ने पूरे प्रदेश में भाग लिया। उनकी जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई, उनकी फिर प्रदेश स्तर पर 3 दिन की कार्यशाला हमने रायपुर में की जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राओं ने उसमें 3 दिन तक वहां रहकर भाग लिया और उनको जो प्रथम द्वितीय 5000-3000 का पुरस्कार हमने दिया वो छात्र छात्राएं हमारे लिए भविष्य को में इस दिशा पर मार्गदर्शन करने वाले साबित होंगे। और 1 तारीख को रायपुर में होगा, 22 मार्च को जगदलपुर में होगा, अंबिकापुर में भी उसी महीने में होगा, ऐसे पांचों संभागों में के बाद जिला सम्मेलन हम करेंगे और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। इस दृष्टि से आगामी 26-27-28 रायपुर में 3 दिन का हमने रिसर्च गाइड का की कार्यशाला रखी है जिसमें देश के विद्वान जो इस विषय पर पकड़ रखते हैं वो उनको मार्गदर्शन देंगे, प्रशिक्षित करेंगे और अगले समय में अगले सत्र से इस प्रदेश में ऐसे नौजवान तैयार हों, ऐसे छात्र छात्राएं तैयार हों जो इस विषय पर शोध करें कि आखिर पंडित जी का एकात्म मानव दर्शन क्या कहता है, कृषि के बारे में क्या कहता है। पूरे प्रदेश के महाविद्यालयीन प्राचार्यों का सम्मेलन किया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, उनको हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का साहित्य किस तरह से हम अपने प्रदेश देश दीनदयाल जी ने सृष्टि के प्रारंभ से अध्ययन प्रारंभ किया, मानव सभ्यता के विकास के साथ पहले डबलाई युग था, कबीले में लोग रहते थे, उसके बाद फिर राजशाही आई,
फिर राजशाही के बाद लोकतंत्र आया और उन्होंने अपने चिंतन में इन तीनों के जो अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा इसके बारे में बहुत विस्तृत के साथ उन्होंने अध्ययन करके ये एकात्म दर्शन को उन्होंने बनाया। और इन सारे एकात्म दर्शन को आज आवश्यकता है हमारे देश को में आत्मसात करने। और वास्तव में जो एकात्म दर्शन है ये किसी सरकार के लिए नहीं, सरकार की नीतियों में सहायक हो सकता है लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हम इस एकात्म दर्शन को अगर अध्ययन करेंगे तो ये जीवन दर्शन है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए।